लो है। और देखो ये गाड़ी ब्रीच नहीं हुई थी। जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ से ये भी लगने का है ना रिस्क। टच तो हुआ है। ओके ओके, बाद में बात करते हैं। अरे सब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत हर दिन सुबह सुबह ही होती है। गाड़ियां आप दोनों देख रहे हो सामने, लेकिन आज इन दोनों में से कोई भी गाड़ी नहीं जाने वाली है। जो गाड़ी जाने वाली है हम सीधा उसके अंदर ही बैठेंगे। ये है जी हमारी वो गाड़ी महिंद्रा थार। आज का बेसिकली वीडियो का कुछ मैंने पॉइंट एक सोचा हुआ है। बड़ी देर से एक वीडियो ना बनाने का मन था, बट क्या है कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे और फाइनली आज वो डिसाइड हो गया है। तो दो बड़ी एसयूवीज का कंपैरिजन हम करने वाले हैं। बिकॉज देखो मैंने ओवर द टाइम ने एक चीज रियलाइज करी, देखो कंटेंट मैं बनाता भी हूँ, जो मेरी ना कोर ऑडियंस है वो तो मतलब देखेंगे ही देखेंगे, बट आई नीड न्यू ऑडियंस और थोड़ी बहुत ऐसी चीजें जो शायद डिफरेंट हो और किसी ने की भी ना हो। तो स्कॉर्पियो एन और फॉर्चुनर का आज हम करेंगे कंपैरिजन, तो ऑफ रोड कंपैरिजन ही रहने वाला। सीधा निकलते हैं और उससे पहले हमें थार छोड़नी है एक्सीविया के पास। तो चलो फाइनली मिनी मार्केट पहुंच चुके हैं, मेन मार्केट पहुंच चुके हैं। शीशा कल आपको दिखाया था, आज क्या है कि पूरे अच्छे तरीके से जो है ड्राई हो गया और कुछ इस तरह का लुक जो है वो भी निकल के सामने आ रहा है। और इधर देखिए, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है कि आफ्टरनून है? अभी तक मॉर्निंग है। मॉर्निंग है। और सुनाओ अक्षय, ठीक हो? और क्या प्लान है? इससे मिलो पहले, इसको दिखाओ। हाँ, ये आजकल हमारा सबसे खास वो हो गया है, मतलब अक्षय भैया के साथ इसकी खास बातचीत है। चलें जी फिर। चलो लेट्स गो। तो चलिए जी, हमारे आज की वीडियो के पहले जो है क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइबर नहीं तो मतलब ठीक है, फॉर्चुनर मैंने कहा ना, फॉर्चुनर और स्कॉर्पियो एन की वो होने वाली है। तो फॉर्चुनर अपने पास आ गई है, 4x4 ऑटोमेटिक। आ चुके हैं फॉर्चुनर के अंदर, द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। बिग डैडी ऑफ एसयूवीज मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आज के लिए चला रहा हूँ। नहीं वैसे एंडेवर इनको ज्यादा पसंद है, बट ठीक है, इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, ये तो मजबूरी है। अरे नहीं नहीं यार, इतनी बढ़िया गाड़ी है, लोग पागल हैं इस गाड़ी के पीछे, तो आप कह रहे हो मजबूरी है। नहीं, एक चीज हमें जो काफी कम मिलती है, 4x4 में ऑटोमेटिक लोग काफी कम लेते हैं, तो है ना कम लेते हैं? बहुत कम। फॉर्चुनर तो अपनी ये रही, एंड दिस इज आवर स्कॉर्पियो एन 4x4। तो चलिए भाइयों से भी मिलवाते हैं आपको। दीते भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो? बड़ी इनकी रील्स वील्स देखी, और सुमन्नी भाई आप भी ठीक हो? तो रील्स देख के मैं इनका काफी ज्यादा फैन हुआ, फिर हमने कॉन्टेक्ट करा। रेडियो आज के लिए तूफान? नहीं तूफान ज्यादा भी नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए कोई नहीं, आ जाओ फिर ना। तो अभी पहुंचते हैं सीधा लोकेशन पे। एक्साइटिंग रहने वाला है यार, इस तरह की वीडियो मतलब मैंने यूट्यूब पे नहीं देखी, और आपको पता है कि हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग ही रहता है, चीज को दिखाने का अलग रहता है। पक्का? चलो अच्छा लगा सुन। फाइनली हमें क्या करते हैं आप, आज लेट हो? मैं हमेशा लेट होता हूं। अच्छा, और सुनाओ बढ़िया साहब, आओ आगे बात करते हैं, शोर बना है। ठीक है, ओके। सो गाइस, ऑफ रोड कंपैरिजन की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी अपने छोटे मोटे खर्चे निकालना चाहते हैं तो किस तरह से आप वो निकाल सकते हैं, बिनोमो प्लेटफॉर्म की हेल्प से। ठीक है, तो मैं तो ये यूज करता ही हूं, आप किस तरह से करते हैं आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो बिनोमो पे चल रहा है वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपटीशन, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखो वर्ल्ड ट्रेडिंग कप 2023। ठीक है, तो इसमें आपको जो है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, वीकली रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा WTC के बारे में और बता देता हूँ। तो ये आ गया हमारा WTC मल्टीवर्स, द बिगेस्ट ट्रेडिंग चैंपियनशिप इन द एंटायर मल्टीवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा बिनोमो पर रजिस्टर करना है। एवरी पार्टिसिपेंट विल रिसीव अ ट्रेडर पैक टू हेल्प विद ट्रेडिंग, वीकली रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। और आपको क्या है कि अपने रियल अकाउंट से ही ट्रेड करना है, और ये जो चैंपियनशिप है ये चल रही है 29 दिसंबर 2023 तक। और जो टॉप के 20 प्लेयर्स होंगे ना, उन्हें ना फाइनल की टिकट मिलेगी, और फाइनल का जो है वो आपको पता ही है, टेस्ला मॉडल एस जो कार है वो। और बिनोमो में आपको सिंपली प्रिडिक्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो अभी मैं रियल अकाउंट से ट्रेड दे रहा हूँ, एंड थोड़ी देर हमें ग्राफ को देखना है कि ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं 8000 के साथ जो अपना ट्रेड है वो लूंगा, एंड आई थिंक ग्राफ जो है वो जाने वाला है ऊपर, तो मैंने अप के साथ ट्रेड ले लिया। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अर्न कर लिए हैं 14,720 रुपीज, वो भी कितने कम समय में। और बिनोमो में डिपॉजिट करना भी काफी इजी है, और यहाँ पे डेमो अकाउंट मिलता है आपको ट्रेड सीखने के लिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप ट्रेड करना सीख सकते हैं, डेमो अकाउंट ये ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाता है।
विनोमो से अपना विनिंग अमाउंट विड्रॉ करना भी काफी इजी है, 24 आवर्स के अंदर ही आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा और बिना किसी कमीशन के। तो ठीक है, तो अगर आप भी विनोमो पे ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो है आपको लिंक मिल रहा है, वहां से जाके आप साइन अप करके रजिस्टर कर सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। मेरा प्रोमो कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करना मत भूलिएगा, उस पर आपको मिलने वाला है 50% का बोनस। पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, गाड़ी आप देख रहे हो और ये रहे हमारे दिग्विजय। दिग्विजय कैसे सर? ठीक हो सर? बिग फैन सर। नहीं नहीं, आज आज खुश तो होंगे सर? बहुत ज्यादा खुश है सर। तो क्या सोचा है वो कि ये किसकी साइड देने वाले हो? देखो दोनों में 19-20 का फर्क है। ठीक है ठीक है। हाँ। फीचर्स में भी फीचर्स इसके ज्यादा हैं। हाँ। और प्राइस में बहुत ज्यादा है, प्राइस उसमें ज्यादा है। मतलब देखो अगर अगर टोयोटा वाले पहले ही इस गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो, क्योंकि इसके पास भी हमारे पास एंडेवर भी है, फॉर्चूनर भी है, स्कॉर्पियो एन भी है और स्कॉर्पियो भी है। ठीक है, आज आके हमें फोर्ड और महिंद्रा ही पसंद आती है। चलो कोई नहीं, तो बस यही मसला है। तो ठीक है, बाकी तीनों गाड़ियां जो है आप वो देख रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ना, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड टेस्ट जब ऐसा नहीं है, बट इस तरह से रहेगा टेक्निकल कि आपको ना पता चल जाएगा, क्लियर क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सी गाड़ी की कितनी परफॉर्मेंस है, कैसा वो परफॉर्म करती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो एन और फॉर्चुनर का भी वैसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं बनता, बट क्योंकि इंडियन मार्केट में हमारे पास उतनी ज्यादा गाड़ियां जो है अवेलेबल नहीं है, फोर्ड एंडेवर हम कह सकते थे बट वो चली गई है, तो इसलिए हमारे व्यूवर्स के लिए एक चीज बताता हूँ, जो स्कॉर्पियो एन है ना वो इतनी बेटर परफॉर्म क्यों करती है और हमें क्यों इतनी पसंद है, क्योंकि ये बेस्ड है फोर्ड एंडेवर पे। अच्छा, इसकी सस्पेंशन ठीक है, इसका गियर बॉक्स ठीक है, इसका जो मतलब जो मैनुअल ले रहे हैं क्लच सिस्टम सेल्फ हीलिंग होता है, प्लस इसका जो स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आ रहा है इसमें वो फोर्ड एंडेवर में आता था, इसमें अभी तक हाइड्रोलिक आता है, मतलब ये अपनी गाड़ी की बेइज्जती नहीं करनी तो ये चीज है, इसीलिए स्कॉर्पियो एन जो है हम लोग को बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो है अपनी इंडियन गाड़ी है तो ये फॉरेन में उतनी ज्यादा टेस्ट वेस्ट नहीं की गई है, ये एक ग्लोबली सक्सेसफुल मॉडल टोयोटा है बेसिकली, तो टोयोटा का फिर एक अलग ही वो चीज है। तो क्या परफॉर्मेंस है, दोनों गाड़ियां जो है हमारे पास स्टॉक है, बाकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर दें तो ये जो है ये 2500 cc आता है, 2200 cc आता है, पावर 171 जो 172 है ये 201 है, ठीक है, और उसके बाद टॉर्क की बात करें 400 500 और बाकी क्या चीज थी, और व्हील बेस की बात करें लगभग डायमेंशन सेम है, ये कोई थोड़ी सी लंबी है बट वो बड़ा माइनर सा, हाइट सेम है, और फॉर्च्यूनर जो है चौड़ाई में थोड़ी सी कम है, ये चौड़ाई में थोड़ी सी ज्यादा है, ये है बेसिकली। लेकिन हमारे ऑफ रोड में आप दोनों गाड़ियां 4x4 है, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। टायर जो है वो आप देख सकते हो दोनों में, इसमें 80 टायर डला हुआ है, सीएट क्रॉस 80, और इसमें अगर हम बात कर लें तो जियो लैंडर 80। विवेक भैया से पूछ लेते हैं, गाड़ी के ओनर हैं, कुछ दो चार एक्सपीरियंस। 21 मॉडल मार्च चल कितनी गई है? 70,000 प्लस। ठीक है, अभी बुरी बातें नहीं बोलनी है गाड़ी के बारे में, आप गाड़ी के ओनर हो तो अच्छा कोई जो अच्छी चीज लगती है? बस टोयोटा, बस टोयोटा है, टोयोटा की खासियत की टोयोटा है। ठीक है, तो ये चीज आ गई, बाकी ये चीज एक बार आदित्य भाई से पूछ लेते हैं, आदित्य भाई इधर आओ। और एक और चीज अच्छी है, रीसेल। उसको कैसे नकार सकते हैं? रीसेल इसकी बहुत ज्यादा है, हाँ। उसके बाद उसकी बहुत ज्यादा है स्कॉर्पियो की। ये अभी 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 आई है, हाँ। अभी अभी से नाम बनाना है ये, बिल्कुल ठीक है, ये मार्केट में नहीं है। ठीक है, तो आदित्य भाई आ चुके हैं, तो आदित्य भाई बताएंगे ये मॉडल है 23 रिसेंटली परचेज है। ठीक है, मतलब कितने महीने हो गए अभी? चार पाँच महीने हो गए, और चार पाँच महीने में चला कितनी दी है? 13.5 तो मुझे बताओ कोई खास चीज जो अच्छी लगती है गाड़ी के लिए? कंफर्टेबल है काफी चलाने में। ठीक है, और 4x4 लेने का कोई खास रीजन? ऑफ रोडिंग तो मतलब ये क्या है कि ये गाड़ी 4x2 में काफी ज्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, 4x4 में कम है, और हमारे पास भी ये गाड़ी, आप पहले बंदे हो, ठीक है, एक भाई और थे बट उनको कोई और ले गया, तो चलो फाइनली हमें आदित्य भाई मिल गए हैं, बिकॉज इनकी रील देखे मैं फैन हुआ, मैंने बता दिया आपको पहले भी एक बार। तो रेडियो फिर आज के एडवेंचर के लिए चले, चलो जी भाई साहब। वो दोनों गाड़ियों का तो आपको बता दिया है, ये गाड़ी दिख रही है, इसके बारे में लोग बताते हैं क्या बात, वायरल स्कॉर्पियो नाम डाला हुआ है इसका, 4x2, बट किसी भी 4x4 अभी इनको पीछे रखना पड़ता है, नहीं तो वो पीछे रह जाती है, ये आगे चले साइड पे जाती है। हेलो और जयदेव, आप आ चुके हैं स्मॉल टाउन द राइडर के चैनल पे और मुझे देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी हमने आपने इसने बता तो दिया हुआ आपको कि आज कंपैरिजन है फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो एन में, जो कि आपको पीछे दिख रही है वो जो हमारी प्यारी रानी है वो, उसको आज हम आराम देंगे क्योंकि फिर हम ही जीतेंगे ना फिर। तो अभी देखते हैं ऑब्स्टेकल होने वाला है। पहला, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों की अच्छी है, जैसे लास्ट टाइम गुरखा था उसका टेंशन नहीं है कोई, तो ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की काफी अच्छी है, रोड प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है दोनों गाड़ियों की, और ये बहुत ईजिली जो है हो गया, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है तो आराम से हो जाता है। पर एक ऐसा ऑब्स्टेकल एक दो जरूर करेंगे जिससे आपको सारे जो डाउट्स हैं
वो दोनों गाड़ियों के प्रति क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल गेट टू नो हु इज द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। काफी कंट्रोवर्शियल गाड़ियां हैं, अपन का फ्रेंड सर्कल है, हमें एक दूसरे को जिताना या हराना नहीं है, बट जो जैसा होगा वो आपको एज इट इज वैसा दिखेगा। पहला ऑब्स्टेकल हमें मिल चुका है तो विवेक भैया फॉर्च्यून के साथ अटेम्प्ट करेंगे एंड लेट्स सी कैसा रहता है, क्या रहता है। रेत है तो रेत थोड़ा सा दिक्कत। हाई पे ले आओ, ऑटोमेटिक है तो हाई पे भी चलेगी, ऑटोमेटिक गाड़ी हाई पे चल जाती है क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन का मसला, क्लच के खेलने का मसला नहीं रहता है, मैनुअल में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अभी फॉर्च्यूनर जो है वो ऊपर चढ़ने वाली है, बम्पर क्लियर नहीं है, थोड़ा और आ गया ना, 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 ना। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम पड़ गई इस गाड़ी को ड्यू टू द बम्पर्स। जी बम्पर क्या है कि उससे टच कर रहा था तो अभी वहाँ से अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं। ओके सो लेट्स गो विद दिस वन, लेट्स सी। तो स्ट्रगल तो करना पड़ा है गाड़ी को और गाड़ी की चेसी जो है वो ब्रीच हो गई, आई थिंक ब्रीच हो गई है, बट शरण जो है काफ़ी एक्सपीरियंस ऑफ रोडर है, उसको पता है कि गाड़ी अगर ब्रीच होती भी है तो उसको कैसे निकालना होता है। जितना इजी आपको दिख रहा है उतना नहीं है, देख सकते हो आप। ओके और ये गाड़ी निकल गई, स्ट्रगल की गाड़ी ने थोड़ी सी बट निकल गई। तो जो ड्राइवर्स व्यू है वो हम पूछते हैं इससे, क्योंकि मेरा जो ऑफ रोडिंग में लाने वाला गुरु है यही है। तो गुरु जी ये क्या हुआ अभी, ये क्या हुआ? इसका ए ट्रैक किक करता है टाइम लगा के, जब स्किट बजे उसके बाद करता है। अच्छा ये MLD की तरह ही होता है। हाँ। अच्छा तो गाइज आपको ज्ञान मिल चुका है आज का, तो जाके आप ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं हम। स्कॉर्पियो एंड गाइज आर यू रेडी? तो चलिए देखते हैं आदित्य भाई किस तरह से गाड़ी को लाते हैं यहाँ से। तो ये कह रहे हैं अभी कि ज्ञान अच्छे से देना। देखो हमें क्वालिटी कंटेंट भी बनाना पड़ता है बीच बीच में, बीच में हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम। तो पीछे थोड़ी सी जगह ऐसी थी, आई थिंक गाड़ी 4x2 में है अभी। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इस गाड़ी में MLD आता है, तो 4x8 ट्रैक। हाँ सेम जैसे 8 ट्रैक, अब 4x4 लग गया है इसमें, तो MLD भी है इसमें। MLD है फिर तो ये बढ़िया परफॉर्मर है। फोर बाय फोर नहीं लगा ये, मेरे को लगता है हाई नहीं लो में ही लानी पड़ेगी। नहीं, पर हाई में क्लच से खेलना पड़ता है ना उतना, नहीं खेलना पड़ता है मेरे को, खेलना पड़ता है। Some noobs have to play with the clutch, we don't. मेरे को नूब बोलते हो? तेरी बात ही नहीं करूं, तेरे पास ऑटोमेटिक है क्यों बोला? नहीं फॉर्च्यूनर जिप्सी ऑटोमेटिक थी है, क्या है के सस्पेंस के उसपे। गाइस उसके लिए आपको देखना पड़ेगा स्मॉल टाउन रोडर का आगे वीडियो। गाइस कोई बड़ी इनसाइड टॉक्स चल जाती है, तो चलो अभी जो है गाड़ी का 4x4 लग चुका है एंड आवाज से लग रहा है कि हाई ही लगाया हुआ है, लो डाला हुआ है, लो है। और देखो ये गाड़ी ब्रीच नहीं हुई थी पर अब हो जाएगी। रुक जाओ रिवर्स। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस मेरे को लग रहा है फॉर्च्यूनर से ज्यादा है। चलो जी भी लो लगा और लो लग के ये गाड़ी निकल गई है। बस पहला ऑब्स्टेकल आपने देखा, वैसे मुझे लग रहा था कि बड़ा नॉर्मल सा ही है बट मैं सोचता हूँ अगर यहाँ पे थार होती ना, ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा है स्कॉर्पियो की फॉर्च्यूनर से। अच्छा एक है जाओ, अरे रुक जाओ यार रुक जाओ। तो बेसिकली क्या है, दोनों गाड़ियों को स्ट्रगल हुआ यहाँ पे, थोड़ा बहुत देख सकते हो मैनुअल और ऑटोमेटिक का थोड़ा सा फर्क रहता है, तो आई थिंक आप अभी गेस कर सकते हो गाड़ियों की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। देखो मैं नहीं वो बोलूंगा क्या कैसा है, पर आपने वीडियोस जो भी देखी है दोनों गाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड अब जाएंगे हमारे नेक्स्ट ऑब्स्टेकल की तरफ। मेरे को ये जूम इन जूम आउट करने की आदत ज्यादा है। सो गाइस अभी आ रही है यहाँ से गाड़ी, दूसरा ऑब्स्टेकल है, आपको नॉर्मल सा दिख रहा होगा। इतना ज्यादा ऊंचा तो नहीं है बट फिर भी है, पीछे वाला टायर देखते हैं हम। हाँ पीछे वाला टायर इतना हवा में नहीं है बट है, और आगे से क्लियर है। इसका अप्रोच एंगल जो है वो अच्छा है, मुझे लग रहा था थोड़ी सी बहुत आर्टिकुलेशन शायद आप देख पाओगे
बट नहीं दिखी वैसी, तो अभी स्कॉर्पियो देखते हैं। नई एवरेस्ट आ रही है, एंडेवर नहीं, जो नई एवरेस्ट आ रही है सीधा सीधा आंखों के सामने तो देखी नहीं है, बट उसका मेरे को लगता है अप्रोच एंगल इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जो नई एवरेस्ट आ रही है। हाइट की बात कर रहे हैं भैया हम, हाइट इससे बेटर होगा। ओके, गुरुदेव ने बोल दिया है तो बोल दिया है, तो मर्जी बोलो यार। जो ये गाड़ी है ना, इसका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, मतलब हाइट, कुछ हाँ कुछ नहीं है उसमें, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें जो करना करो, उसमें एंगल्स का कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीलरेटर दबा दो निकल जाओ। ले जी, अभी आ रही है अपनी स्कॉर्पियो एन, सो लेट्स सी, आराम से इजी। काफी इजीली आ गई, नहीं आया थोड़ा सा है ना, टायर हवा में चाहिए बेसिकली। आर्टिकुलेशन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आर्टिकुलेशन वाला ढूंढ लेते हैं कुछ जी। अब जो ऑब्स्टेकल है ये है आर्टिकुलेशन वाला, और इसमें हम जो है स्कॉर्पियो एन के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। इजी दिख रहा है आपको, बट बिल्कुल हाँ, एक टायर इस पे, वो वाला उधर बीच में, बट बिल्कुल भी इजी जो है वो नहीं है। इजी तो नहीं है ये, जैसे कि तरुण भाई ने हमारे बोला कि इजी तो नहीं है ये, और यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन है वो अच्छी तरह पता चल जाएगी गाड़ी की, वो दूसरी साइड से कवर करेगा, मैं इस साइड से कवर कर रहा हूँ, और शर्म जो है वो गाइड कर रहा है। अच्छा आदित्य, टायर थोड़ा उस साइड, विंडो थोड़ी सी डाउन कर लो, विंडो थोड़ी थोड़ी, बस बस थोड़ी थोड़ी डाउन करो ताकि आवाज सुनाई दे। ये देखो, दिस हैज एमएलडी, लो करना यहाँ से, ये भी लगने का है ना रिस्क। हाँ टच तो हुआ है, वो अब हो रहा है। अच्छा पहले नहीं, ठीक है, टायर इधर इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करो, नहीं पीछे पीछे पीछे। एक थोड़ा ड्रॉबैक मेरे को लग रहा है स्कॉर्पियो एन का, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं होना चाहिए था, कि इसको हमें लो में डालना पड़ रहा है ताकि क्लच अब्यूज ना हो, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नहीं है, भाई भी अपना ही है छोटा, इस गाड़ी का क्लच अब्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हाई में नहीं इसको लो में करेंगे, क्योंकि लो में क्लच इनपुट जो है वो मतलब कम चाहिए होता है, और बाकी वो तो ऑटोमेटिक है, इसलिए वो हाई में आ रही है। तो वो पत्थर पे चढ़ाने की कोशिश है, अगर उस पे चढ़ गई यस, आधा रास्ता तो ये तय कर चुकी है। और ये जो आर्टिकुलेशन की बात कर रहा था मैं, ओके जो वो टायर था वहां पे आपका, तो उसने जो था वो ग्रिप पकड़ ली, ये वाला टायर हवा में था, यहाँ पे जो था ये वाला, तो वहाँ से गाड़ी निकल गई। एमएलडी का फायदा ये होता है, 4x4 होने के बाद भी बेसिकली डिफ लॉक है तो फायदा तो देगा ही। स्कॉर्पियो की गुड अटेम्प्ट रही, टायर स्पिन किए, अभी हम देखते हैं फॉर्च्यूनर। हेलो हाई हाई ब्रो, तो अभी देखते हैं कि फॉर्च्यूनर को कितना, थोड़ा सा आगे से आर्म एक टच करने का वो लग रहा था, बट उतना कोई मसला नहीं है, सो अभी देखते हैं फॉर्च्यूनर किस तरह से करती है। सो आई थिंक गुड ऑब्स्टेकल आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए काफी है, बाकी गाड़ी तोड़ने के लिए तो काफी नहीं है, और तोड़नी भी नहीं है। स्कॉर्पियो में बहुत अच्छी बात एक ये है कि जो उसका टायर है ना पीछे, वो नीचे है, तो गाड़ी जो है वो अगर पीछे से जब मतलब डिपार्चर एंगल जो होता है अगर गंदा हो भी जाए तो बच जाती है गाड़ी को, कुछ होता नहीं है क्योंकि टायर ही सारा उसका ले लेता है इम्पैक्ट। यहाँ से देखते हैं जब इस पे चढ़ती है। इसने थोड़ा सा अप्रोच एंगल जो है वो अलग लिया है, लाइन इसे थोड़ी सी अलग ली है, और इस गाड़ी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है इतना ज़्यादा हाई में भी। और ये आप देख रहे हैं कि इसका जो क्या बोलते हैं इसको, ए ट्रैक जो है वो किक इन किया, और उस वाले टायर ने वहाँ पे पावर पकड़ के, ग्रिप पकड़ के आगे गाड़ी कर गया। गुड वन, थैंक यू। कोई थोड़ा टफ ऑब्स्टेकल देखना पड़ेगा, उस आदमी टायर पर बड़ा खेल होता है, क्योंकि इस पर टायर जो है जियो लैंडर है, और सबसे अच्छे जो ऑन रोड 80 टायर्स है ना, हाँ जियो लैंडर के, मैक्सिस के भी नहीं है, क्योंकि मैं तीनों ड्राइव कर चुका हूँ, MRF C8 बम्पर टच करता है नहीं करता है। ओके थोड़ा रिस्की साहब, देख भैया इस साइड, ओके ओके बाद में बात करते हैं, पहले ये देखो आप, बैठ गया
ये देखो ड्रिफ्ट करती है साइड पे, इजी लग रहा है ना, गाड़ी स्लिप कर सकती है। ओ और कर भी रही है। चलो गुड वन, फॉर्चुनर का टायर जो था वो तो उठा था यहाँ से, और इसका देखते हैं कि उठता है नहीं उठता है इसके जो, और ये देखो MLD क्लिक हुआ देखा आपने, और इसका टायर उठा है लेकिन इतना नहीं उठा, अगर MLD क्लिक हुआ था तो इसका मतलब उठा था, तो इस गाड़ी का टायर जो है ना वो इतना उठ नहीं रहा। यहाँ पे इसको एक प्लस पॉइंट में मान लेता हूँ। मैं गिर गया नीचे। इजी इजी अब आ जाएगी, जान दो, हाँ सीधी, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। तो यार स्कॉर्पियो एन इम्प्रेस तो कर रही है मेरे को, ये शायद ऑब्स्टेकल देखने में उतना नहीं लग रहा बट ट्रिकी है। चलो सो गाइस फाइनली एक हाँ अब हिल भी जो है ट्राई करेंगे एक बारी। तो ये जो है एक तो क्या है, सॉफ्ट भी है ठीक है जगह, और हाइट काफी ज्यादा है, आप देखो नीचे से काफी ज्यादा हाइट है। क्या चढ़ गए हैं आसमान की ऊंचाइयों पर, और ये देखो आपकी कितना इंक्लाइन है। पहले हम ट्राई करने लगे हैं फॉर्चुनर से, इसमें हम एक काम करेंगे कि लो गियर डालेंगे और क्रॉलिंग रेशियो जो है गाड़ी की, मतलब कि उसकी पावर कितनी है क्रॉलिंग में, और क्रॉल कर सकती है कि नहीं कर सकती है गाड़ी। ये अगर हम स्पीड से लाते हैं तो भी दिक्कत है क्योंकि बम्पर लग सकता है गाड़ी किस तरह सेलेक्ट करे, और अगर हम लो में क्रॉल कराएंगे तो ये मिट्टी क्रॉल नहीं करने देगी हमें। ओह तो क्रॉल तो नहीं है, क्रॉल तो नहीं है, ये क्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि मिट्टी जो है वो चिकनी है, तो क्रॉलिंग वाला हमारा सपना जो है अधूरा ही रह गया, हाई में ही करना पड़ेगा। आराम आराम से लाना, आराम से ठीक है, बम्पर टच नहीं करा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस इस साइड बहुत रिस्क है, तो गाड़ी क्योंकि इधर उधर भी जा सकती है ना, जो मिट्टी है ना यार वो धसने वाली मिट्टी है, वो इतनी कुछ सॉलिड नहीं है, तो गाड़ी जो है वो ग्रिप नहीं पकड़ पा रही है, और वो हमारे भाई आसमानों की ऊंचाइयों पर। ये वैसे ऑब्स्टेकल हैं जो मतलब काफी ट्रिकी हैं, मजाक नहीं है। क्या करने वाले हो अब, किस पे, इसी पे? तो चलो वन मोर ट्राई, अब इस बार हाई पे रखा है, और चढ़ गई यार। तो ऐसा जो लास्ट का इन्होंने अटेम्प्ट लिया ना, क्या गुस्से में आ गए थे? नहीं यार, तो क्या खड़ी जंप करके आई उधर ऊपर से पता नहीं। गाइस इफ यू वांट तो कमेंट करो, मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं, कमेंट करो अभी, कमेंट अभी, वो कमेंट तो कल करेंगे ना, कल अपलोड करेंगे तो परसों आएगा। तो चलो एक देखते हैं अभी स्कॉर्पियो एन के साथ अटेम्प्ट। गाइस फॉर्च्यूनर की बेइज्जती होने वाली, गाइस मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये चढ़ जाएगी, मुझे भी लग रहा है, ये लग रहा है ना पता नहीं क्यों, क्योंकि थ्रॉटल का रिस्पांस जो है वो काफी ज्यादा आने वाला है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चढ़ गई, बोला था ना चढ़ जाएगी। तो चलिए जी अब विवेक भी है जो है फिर से आ गए हैं, तो एक्चुअली क्या है फॉर्चुनर का ना बम्पर लग रहा है आगे से, तो वो अटेम्प्ट नहीं लेना चाह रहे थे, बट अब क्योंकि समझ गए आप, तो अब अटेम्प्ट तो लेनी पड़ेगी। बस वही बम्पर का ही चक्कर था। स्कॉर्पियो एन देख लेते हैं एक बारी, कहीं से आगे से टच वच कुछ वैसा नहीं है, करिए बस ठीक है, इतना तो लगेगा ही लगेगा, कोई चक्कर नहीं। फाइनली दोनों गाड़ियों का जो है एक सॉफ्ट ऑफ रोड कह सकते हैं हम, बट फिर भी डाउट्स क्लियर करने के लिए वो काफी था, और ये वाला जो अटेम्प्ट था ना लास्ट में ये था सबसे एक्सट्रीम, तो दोनों गाड़ियों को किसी भी तरह का डैमेज नहीं है। तो अब आप लोगों के ऊपर है कौन सी गाड़ी आपको पसंद है, देखो जो इसके फैन बॉयज हैं वो इसके हैं, जो उसके हैं वो उसके हैं, और दोनों गाड़ियों ने जो है परफॉर्म किया है बराबर का, तो डिसीजन मेरा तो कहीं नहीं पहुंचता, बाकी कमेंट्स में आप बता दो कि कहां पहुंचा डिसीजन। और क्या फॉर्च्यूनर लेने ऑटोमेटिक 4x4 नहीं लेगा आदित्य भाई, क्या करें दोनों बेस्ट है अपने अपने सेगमेंट में। क्या देख 45 लाख
28 लाख आसमान का फर्क आता है, दो आ जाएंगी वो बिल्कुल। हमने तो सेकंड हैंड लेनी है ना तो हमें उतने ही पड़ेगा, बीच की बातें नहीं करनी तो चलो ठीक है, हमारे लिए तो फॉर्चून बनेगी ना। की वीडियो के लिए फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, अभी देखते हैं इसका शायद एक टगो और का पार्ट शूट करेंगे, तो दोनों वीडियोस को मैं मिक्सअप नहीं करूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी थैंक यू सो मच फॉर्चूनर एंड स्कॉर्पियो ओनर, थैंक यू जी, मिलते रहेंगे ना। ओके ओके।